नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेंस की सीरीज़ दोस्तों चालू हो चुकी है। मेंस का पेड बैच भी स्टार्ट हो चुका है पज़ल का। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं yesofficer.com पर जाकर आप एक्सक्लूसिव या फिर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। AL10 कोड है डिस्काउंट के लिए। और यहाँ पर ये जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, हफ्ते में कम से कम 4 दिन मेंस की क्लास होगी और 2 दिन प्री की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पज़ल। एक ही पज़ल करवाया करूँगा दोस्तों, क्योंकि 2 पज़ल करने में फिर वो 1.5-2 घंटे तक चला जाता है। एक पज़ल करने में अप्रॉक्स 40-45 मिनट्स लग जाते हैं। कल का भी पज़ल बहुत शानदार था। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, इसका पैटर्न तो बिल्कुल सिंपल टाइप का है जैसा होता है डेजिग्नेशन वाला। कुछ नया पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा आज के क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ज़बरदस्त है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। चेकलिस्ट कल नहीं आई होगी दोस्तों, चेकलिस्ट बनी नहीं थी। मैं अभी सुबह से बना रहा था बैठ के 6 बजे से, तो 8-10 चेकलिस्ट मैंने बना दी है इस हफ्ते और अगले हफ्ते के लिए। तो आज शाम से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी चेकलिस्ट। चलिए उम्मीद करता हूँ हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। इंग्लिश वाले ये क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करिए। अप्रॉक्स टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए, अप्रॉक्स 10-12 मिनट। सर आपका एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ऑफर है क्या? आप AL25 कोड अप्लाई करके देख लीजिए, पता चल जाएगा।
सर मैं फ्रेशर हूँ मेंस के लिए, सजेस्ट करो। देखो मेंस के लिए बस क्लासेस करते जाओ, साथ ही साथ खुद की भी प्रैक्टिस बनाते जाओ, मॉक टेस्ट वगैरह से मेंस लेवल की क्लासेस करके। ऑफ़र ही दे दीजिए टारगेट बैच पर 50% ऑफ का, 50% के 60% दे देंगे आज। आज एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें कोड बता दूंगा। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा दोस्तों। तेरह डेजिग्नेशन होंगे या 12%, प्लीज चेक। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कॉमरेड, कैप्टन, कमांडर, चीफ पेटी ऑफिसर, पेटी ऑफिसर ड्यूटी। बारह लोग दिख रहे हैं। देखो एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ना, देर इज नो पर्सन डेजिग्नेटेड एट वन पोस्ट, मतलब एक वैकेंट भी तो है। तो पोस्ट टोटल 13 होंगी लेकिन पर्सन उसमें 12 होंगे, यानी एक वैकेंट होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 13 डेजिग्नेशंस बनानी है और उसमें 12 पर्सन्स को अरेंज करना है, एक पोजिशन जो होगी, एक पोस्ट जो होगी वो वैकेंट होगी। पर्सन 13 कहाँ दिया है यार, 12 पर्सन ही तो दिया है। ए सी ई जी आई 5 हो गए, के एम ओ क्यू एस फिर 5 हो गए, यू और डब्ल्यू 12 हो गए टोटल। जिनसे नहीं बनते हैं पजल्स, आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, जो नोट कर सकते हो वो करिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन को समझाऊं तो आपको जल्दी समझ में आए।
स्टार्ट करें क्या? वैसे अभी 8 ही मिनट हुआ है। यस ऑफिसर, पर न्यू बैच कब आ रहा है? अमर जी, नए बैच का वेट मत करिए, जो बैच चल रहा है उसी में कंटिन्यू करिए, पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। नए बैच के चक्कर में बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि नया बैच आएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी समय है, पुरानी क्लासेस जितनी भी अभी तक हुई हैं उनको आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। दो मिनट और फिर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सर, आई एम सिलेक्टेड एज PNB क्लर्क फ्रॉम दिल्ली। ललित जी, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिनसे बन गया अच्छी बात है भाई, जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? 12% फलाना फलाना आर वर्किंग इन द इंडियन नेवी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो सब डेजिग्नेशन के नाम यहां पर दिए हुए हैं। टोटल 13 डेजिग्नेशन के नाम दिए हैं, टोटल 12% के नाम दिए हुए हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है नोट में, द डेजिग्नेशन आर गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद एडमिरल बींग द सीनियर मोस्ट। मतलब जो सबसे पहले दिया हुआ है ये सबसे सीनियर है, और ये जो सी मैन दिख रहा है ये सबसे लोवेस्ट डेजिग्नेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, देर इज नो पर्सन डेजिग्नेटेड एट वन पोस्ट। मतलब कि एक ऐसी पोस्ट भी है इसमें से जो कि जिसमें कोई भी डेजिग्नेटेड नहीं है, यानी कि वो वैकेंट पोस्ट होगी। और यहां से अब हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके नाम लिख लेते हैं, जो डेजिग्नेशन है उनको लिख लेते हैं। तो एडमिरल सबसे पहले लिखना है, यहां पर लिख लेते हैं एडमिरल। उसके बाद क्या है, वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल। तो वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, और क्या दिया है, कॉमोडोर कैप्टन कमांडर। कैप्टन और कमांडर, पूरा पूरा नाम मत लिखना, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ। ल्यूटिनेंट, उसके बाद क्या है, सब ल्यूटिनेंट, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। तो सब ल्यूटिनेंट लिख लेते हैं पहले। अरे MCPO, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं MCPO। और क्या है, चीफ पेटी ऑफिसर CPO, फिर पेटी ऑफिसर है तो इसको PO लिख लेते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर ही नहीं है, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं है ये, PO पेटी ऑफिसर है। फिर लीडिंग सीमैन LS और सीमैन,
तो ये सारी पोस्ट के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ज़्यादा टाइम तो इसी में लगेगा लिखने में। इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। चलो अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, आगे कंडीशन पढ़ते हैं। के इज जूनियर टू वाइस एडमिरल बट सीनियर टू ल्यूटेनेंट। तो के जो है वो जूनियर है वाइस एडमिरल से, वाइस एडमिरल से जूनियर है मतलब कि इससे जूनियर, यहाँ से नीचे होना चाहिए के, लेकिन ल्यूटेनेंट से सीनियर होना चाहिए। मतलब इन बीच में चार जो जगह दिख रही है इन चार पे आ सकता है के। उसके बाद देखो और क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इज टू पोजिशन जूनियर टू के एंड सीनियर टू सब ल्यूटेनेंट। डब्ल्यू जो है वो दो पोजिशन जूनियर है के से, तो के से दो पोजिशन जूनियर है लेकिन सीनियर है किससे, सब ल्यूटेनेंट से। मतलब कि अगर सब ल्यूटेनेंट से सीनियर होगा W, तो अगर W को यहाँ पर भी लेते हो तो K यहाँ पर नहीं आ पाएगा, K यहाँ पर आएगा। मतलब K के लिए जो जगह हमने डिसाइड की थी वो सिर्फ ये तीन जगह बन रही है अब, ठीक है, सिर्फ ये वाली तीन जगह बन रही है K के लिए। यहाँ पर K को नहीं रख सकते क्योंकि K रखोगे तो W यहाँ आ जाएगा, जबकि W सब ल्यूटेनेंट से सीनियर होना चाहिए ऐसा बोला है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 4% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, वेयर एम इज नीदर एडमिरल नॉर लीडिंग सीमैन। तो एम जो है वो एडमिरल नहीं है और लीडिंग सीमैन भी नहीं है, तो एम लीडिंग सीमैन में नहीं आएगा और किस में नहीं आएगा बोला था, एडमिरल में नहीं आएगा। तो एडमिरल कहाँ है भाई, ये एडमिरल, एम यहाँ पर भी नहीं आएगा। लेकिन कितने लोग हैं इनके बीच में बोला है, ओनली 4% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू के बीच में चार लोग हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एम से डब्ल्यू के बीच में चार लोग होंगे। उसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन है, वन ऑफ द डेजिग्नेशन इज वैकेंट विच इज सीनियर टू पैटी ऑफिसर बट जूनियर टू कैप्टन। पैटी ऑफिसर से सीनियर होना चाहिए, ठीक है, पैटी ऑफिसर से सीनियर होना चाहिए लेकिन कैप्टन से, ये कैप्टन से जूनियर होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं इतने में किसी एक पर वैकेंट आएगा, तो यहाँ पर ऐसा बना देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वैकेंट किसी एक जगह पे आने वाला है, अभी हमको कंफर्म नहीं है कौन सी जगह है वो। फिर बोल रहा है यू इज 3 पोजिशन जूनियर टू वैकेंट डेजिग्नेशन विच इज़ नॉट ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट जो है वो वैकेंट नहीं है, यहाँ पर वैकेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम ऐसे वैकेंट लिख के क्रॉस कर देते हैं, यहाँ वैकेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या बोला है, यू इज 3 पोजिशन जूनियर टू वैकेंट। यू जो है वो 3 पोजिशन जूनियर है वैकेंट से, तो वैकेंट वाले से 1, 2 और ये यू हो गया 3rd पोजिशन जूनियर पे। और क्या है आगे, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई इज 3 less than द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू। यहाँ पर लिखा है क्या, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई इज 3 less। तो बोल रहा है ई से जितने भी जूनियर होंगे वो 3 कम होंगे। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई, ई से जूनियर जितने भी लोग होंगे वो 3 कम होंगे, किससे 3 कम होंगे, देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू, जितने भी यू से सीनियर हैं उससे 3 कम ई से जूनियर होंगे। ई इज नीदर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर यानी MCPO। ई जो है वो MCPO नहीं है और कॉमडोर भी नहीं है, तो यहां पर ई नहीं आ सकता और MCPO में भी ई नहीं आ सकता। फिर बोल रहा है ओनली 6% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड एस। ए और एस के बीच में 6 लोग हैं, तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं ए 6 S। एस हु इज 4 पोजिशन सीनियर टू द वैकेंट डेजिग्नेशन। एस जो है ये 4 पोजिशन सीनियर है वैकेंट वाले से, तो ऐसे बीच में 3 का गैप बना देते हैं, तो एस जो होगा वो 4 पोजिशन सीनियर हो गया। यहां से ये देखो 1, 2, 3, 4। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन सी एंड आई इज सेम एज द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन ओ एंड क्यू। सी और आई के बीच में उतने ही डेजिग्नेशन हैं, ठीक है, ध्यान देना, पर्सन नहीं बोल रहा है, डेजिग्नेशन बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में जितने होंगे उतने ही डेजिग्नेशन इनके बीच में होंगे। तो यहाँ पोस्ट लिख देते हैं, इतनी पोस्ट। ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1% है, यहां लिख लेते हैं Q और U के बीच में सिर्फ 1% है। O इज इमीडिएटली जूनियर टू G। O जो है वो G से जस्ट जूनियर है। C इज नॉट जूनियर टू सब ल्यूटिनेंट। सब ल्यूटिनेंट से जूनियर नहीं है कौन, C, यानी C जो है वो इससे ऊपर ही होना चाहिए,
तो हम यहां से ऐसे एरो बना के सी लिख देते हैं, इससे ऊपर ही होना चाहिए सी। यार यहां ना पर्सन और वो वाला चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार उसको फिर से देखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। के इज जूनियर टू वाइस एडमिरल बट सीनियर टू लुटिनेंट, डब्ल्यू इज टू पोजिशन जूनियर टू के एंड सीनियर टू सब लुटिनेंट, ओनली फोर पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, वेयर एम इज नीदर एडमिरल नॉर लीडिंग सीमैन। एम और डब्ल्यू के बीच में चार पर्सन हैं, ठीक है ये तो। ओनली सिक्स पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच में भी पर्सन है छः, ठीक है। उसके बाद बोला वन ऑफ द डेजिग्नेशन इज वैकेंट विच इज सीनियर टू पेटी ऑफिसर बट जूनियर टू कैप्टन, यू इज थ्री पोजिशन जूनियर टू वैकेंट डेजिग्नेशन विच इज नॉट ल्यूटिनेंट, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई इज थ्री लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू, इज नीदर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर नॉर कॉमोडोर। ओनली सिक्स पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड एस, हु इज फोर पोजिशन सीनियर टू द वैकेंट डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन सी एंड आई सेम एज द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन ओ एंड क्यू। सिर्फ यही लाइन है जिसमें डेजिग्नेशन बोला है, बाकी हर जगह पर्सन की बात की है। Only one person is designated between Q and U. O is neither immediately junior to G. C is not junior to subordinate. ठीक है, चलिए अब बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें क्या रख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या रख सकते हैं सोचिए थोड़ा सा। देखो मेरे हिसाब से तो जो हमको सबसे पहली कंडीशन दी थी हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये वाली कंडीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे इससे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो इससे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि U जो है S से नीचे की तरफ है। अगर मैं U को एकदम नीचे यहाँ पर मानता हूँ, ठीक है, मान के चलो अगर U एकदम नीचे हो जाएगा तो दो छोड़ के यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा, फिर इस वैकेंट से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर S हो जाएगा, फिर इस S से छः पर्सन लोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः पर्सन छोड़कर यहाँ पर A नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बीच में तो एक वैकेंट हो गया ना, छः पर्सन हुए ही नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यू को यहाँ एंड पे तो नहीं ले सकते, इससे ऊपर ले सकते हैं यहाँ पर, हाँ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं भाई, पॉसिबिलिटी बन रही है, चेक करते हैं। देखो अगर मैं यू को यहाँ लूँगा तो यू से दो छोड़कर वैकेंट, दो छोड़कर यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा, उसके बाद वैकेंट से तीन छोड़कर एस है तो एक दो तीन छोड़कर एस यहाँ पर हो जाएगा। अब एस से छः पर्सन छोड़कर ए है तो ऊपर की तरफ तो छः पर्सन ही नहीं है, तो एस से एक दो तीन चार पाँच छः पर्सन छोड़कर ए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। जरूरी नहीं है सही होगा, पॉसिबिलिटी तो है ना। इसके बाद और भी ऊपर पॉसिबिलिटी बनेगी, यू को यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, तो वो बात की बात है, एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वाली हमारी पूरी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखिए यू के ऊपर जितने भी लोग हैं ई के नीचे तीन कम होने चाहिए, तो यू के ऊपर कितने लोग हैं भाई, एक तो वैकेंट है, लोगों की बात हुई है, पर्सन की बात हुई है, तो यू के ऊपर कितने पर्सन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अगर दस पर्सन यू के ऊपर हैं तो ई के नीचे सात पर्सन होने चाहिए तीन कम, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर ई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब गलत हो गया, हुआ कि नहीं गलत। क्या लिख रहा है कोई, अरे ये कंडीशन कहाँ दी है यार, कौन सी कंडीशन यार, गलत हो गया ना भाई ये। कैसे गलत हुआ देखो फिर से बता रहा हूँ आपको, बोला यू के ऊपर जितने लोग हैं, ये वाली कंडीशन को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू इज थ्री लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू, यू से सीनियर जितने भी लोग हैं, यू से सीनियर कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस लोग सीनियर दिख रहे हैं, तो दस से तीन कम यानी सात लोग ई के नीचे होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात छोड़कर यहाँ पर ई आना चाहिए, बट यहाँ पर तो ऐसे है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको अब क्या करेंगे, यू को एते ही यहाँ पर, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, अब यहाँ पर चेक करेंगे, तो यू से दो छोड़कर वैकेंट, वैकेंट से तीन छोड़कर एस, एक दो तीन छोड़कर एस, अब देखो यू के ऊपर कितने लोग दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ लोग दिख रहे हैं यू के ऊपर, तो यहाँ पर छः लोग होने चाहिए ई से नीचे। अच्छा ए को पहले सेट कर लेते हैं, एस से ए छः छोड़कर ए, तो एक दो तीन चार पाँच छः छोड़कर ये हो गया ए। अब देखो ई से नीचे छः लोग होने चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच छः छोड़कर ये हो गया ई, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, और ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब इसके बाद देखो और क्या है,
अब देखो के से डब्ल्यू वाली कंडीशन को देखते हैं, हमारे पास के लिए ये देखो ये वाली दो जगह दिख रही है, बोला था ना के इन तीन जगह में आ सकता है, तो के लिए अभी सिर्फ ये दो जगह दिख रही है, ऐड आ गया। ई गलत क्यों है भाई? अरे ये कमांडर है, मैंने गलती से वो लिखा है, सही है ये। देखो क्या बोला, ई इज नीदर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर नॉर कॉमोडोर। कॉमोडोर ये है, ये जो कॉमो लिखा ना ये है कॉमोडोर। मैंने यहां ई को ये जो लिख दिया ना ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मत देखो, यहां पर नहीं आएगा ई। ये सही चल रहा है अभी तक, बिल्कुल सही है। सही है सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो के वाली कंडीशन को देखते हैं, के से एक छोड़कर डब्ल्यू लेना है। अगर मैं के को यहां लेता हूं तो के से एक छोड़कर डब्ल्यू यहां आ जाएगा, ये देखो के से डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू से आपको क्या चाहिए, 4% छोड़कर एम चाहिए, तो इस डब्ल्यू से 1, 2, 3, 4 छोड़कर ऊपर कोई जगह ही नहीं है, और नीचे देखोगे तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर यहां एम आ नहीं सकता, मतलब गलत हो गया। तो यहां पर आप के और डब्ल्यू को नहीं ले सकते, तो अगर के यहां नहीं आ सकता, यहां ऐसा आ चुका है, तो सिर्फ यही जगह बचती है के लिए, के को रख दो यहां पर। के से एक छोड़कर डब्ल्यू, के से एक छोड़कर ये हो गया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से नीचे देखोगे तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर एम यहां पर आ सकता है, डब्ल्यू से ऊपर देखोगे तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर एम यहां पर आ सकता है, मतलब एम के लिए हमारे पास दो जगह है, कौन कौन सी, एक तो एम यहां पर रख सकते हो या फिर एम को यहां पर रख सकते हो। अब ये देखो U से एक छोड़कर आपको Q चाहिए था, U से एक छोड़कर Q को यहां पर रख सकते हो नीचे में, या फिर U से एक छोड़कर Q को यहां पर रख सकते हो, ये दो जगह दिख रही है हमको Q के लिए। और कोई कंडीशन है क्या यार, कुछ तो होनी चाहिए कंडीशन। एक ये वाली बस बच रही है, सी से आई और ओ से क्यू के बीच में जितने भी पोस्ट हैं, इसके अलावा तो और कुछ बच नहीं रहा है ढंग का जिससे हम डिसाइड कर सकें कुछ। डब्ल्यू से एम वाली तो देख ली है ना भाई, डब्ल्यू से एम देखो दो जगह पे आ रहा है, डब्ल्यू से 1, 2, 3, 4 छोड़कर एम यहाँ पर भी आ सकता है, डब्ल्यू से 1, 2, 3, 4 छोड़कर एम यहाँ पर भी आ सकता है, तो दो जगह है जहाँ पर एम आ रहा है, तो कन्फर्म नहीं है ना अभी। एम के लिए और कुछ बोला था क्या, ओनली 4% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, वेयर एम इज नीदर एडमिरल नॉन लीडिंग सीमैन, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी बना के देखना पड़ेगा यार, और कुछ नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या करेंगे ना, पॉसिबिलिटी मैं मिनिमम के हिसाब से लूंगा, मिनिमम कैसे बनेगी पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिए भाई, U से अगर मैं, ये देखो U से एक छोड़कर Q लेना है ना, अगर मैं U से एक छोड़कर Q को यहाँ पर लूँगा तो M की ये भी जगह है ये भी जगह है, मतलब दो पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर मैं U से एक छोड़कर Q को यहाँ पर ले लूँ ऐसा, तो अब तो M यहाँ आ नहीं सकता, M की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी ये वाली, तो ये मिनिमम हो गई, सिंगल बन रही है क्योंकि। अब देखो आपको पता है G के जस्ट नीचे O होना चाहिए, तो दो स्पेसेस यहीं पर खाली दिख रही है, G के जस्ट नीचे O के लिए ये वाली। अब देखो O और Q के बीच में कितने पोस्ट है, तो O और Q के बीच में दो पोस्ट दिख रहे हैं, तो C और I के बीच में भी दो पोस्ट रहने चाहिए, यहां पर C और I रखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में दो पोस्ट नहीं हो रहे। O और Q के बीच में ये देखो दो पोस्ट दिख रहे हैं ना, तो यहां पर C और I आने वाले हैं, तो उनके बीच में तो एक ही पोस्ट है, मतलब गलत हो गया, तो इसको चेंज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, U से एक छोड़कर जो Q हमने नीचे लिया था, U से एक छोड़कर Q को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप Q को यहाँ पर ले रहे हो तो भी M की एक ही बन रही थी, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, मिनिमम ये भी मिनिमम ही बन रही थी, कैसे बन रही थी देखो, अगर Q को यहाँ ले लिए ना, M को यहीं लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ M लोगे तो ये सेट नहीं हो पाएगा भाई, M को यहाँ बीच में ले लोगे तो दो स्पेसेस खाली नहीं दिखेंगे ना जीओ के लिए, मतलब M तो यहीं लेना पड़ेगा, फिक्स है ये भी, सॉल्व हो गया।
अब देखो हमारे पास क्या बचा है, जी और ओ, तो जी और ओ को हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है, जी और ओ को हमको यहाँ पर रखना है, और क्या बचा है हमारे पास, सी को भी यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। देखो सी जो है वो सब ल्यूटिनेंट से ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब सी इस जगह पे आने वाला है, जी और ओ भी दोनों साथ में रखने तो वो भी इसी जगह पे आने वाले हैं, तो सी जी ओ ये तीनों यहाँ पर आने वाले हैं, तो बचा क्या था आई, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन देखो, ओ और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सी और आई के बीच में होने चाहिए, ठीक है, ओ और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सी और आई के बीच में आने चाहिए। तो अगर मैं जी ओ को यहाँ पर रखता हूँ तो ओ से क्यू के बीच में कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लोग हो जाएंगे। सी से देखोगे आई तक तो एक दो तीन चार पाँच हो गया, जी ओ आई, एक बार फिर से चेक कर लो आप लोग काउंटिंग करके, बीच में पांच पांच लोग आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। चेक करके देखिए जल्दी से। ये दोस्तों आरआरबी पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ मेंस में देखने को मिलेंगे। कल जो मैंने करवाया था वो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन था। हर दिन क्वेश्चन बनाने के बाद मैं आपको लेवल भी बताते रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के लेवल का है। सी है ऊपर, अरे सॉरी सी आएगा यहाँ, एक सेकेंड, अरे सी आएगा यहाँ, ठीक है देख लेते हैं भाई सी से आई के बीच में कितने, तो सी और आई के बीच में देखो एक दो तीन चार पाँच, ओ और क्यू के बीच में कितने हैं, तो ये देखो क्यू से एक दो तीन चार पाँच, तो ओ और क्यू के बीच में भी पाँच, इसके बीच में भी पाँच, पाँच पाँच आ जाएंगे दोनों। आरआरबी पीओ लेवल कम से कम पाँच से छः नंबर का, 5 to 6 मार्क्स मैक्सिमम, 5 to 6 मार्क्स। दोस्तों पजल का मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कल पहली क्लास हुई थी, 57 फ्लोर का पजल हमने किया था कल, 57 फ्लोर का पजल हमने किया था कल की क्लास में, जिसमें कि चार लिफ्ट लगी हुई थी ए बी सी डी, कौन से फ्लोर पे कौन सी लिफ्ट रुकती है, कौन से फ्लोर पे कौन सी लिफ्ट नहीं रुकती है, ये वाला पजल था, बहुत शानदार पजल था। 10:30 बजे क्लास होती है yesofficer.com पर, या फिर यस ऑफिसर का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच तो आप AL10 ये कोड याद रखिए, इससे डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, शायद अभी 25% भी ऑफ चल रहा होगा, तो एक बार ये कोड भी लगा के देख लेना, ठीक है। 10:30 बजे क्लास चलिए और आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स, मेंस का फाउंडेशन कोर्स, मेंस का हाई लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने भी लेवल के आएंगे मेंस के सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे पूरे एक साल तक। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल की क्लास में, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, मैंने चेक नहीं किया है, GOCSKE WVACANT QYUAM, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए खत्म, बस एक पजल डेली करेंगे, अब कल फिर से IBPS PO SBI PO लेवल का लेके आऊंगा क्वेश्चन। क्लर्क लेवल रहेगा तो दो क्वेश्चन करवाऊंगा, 9 बजे डेली आ जाइए करिए दोस्तों क्लास में, डेली 9 बजे क्लास होगी।